हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरी। तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3 एमपीएसआई प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुँचे, द ट्रेन हैव ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन ऑलरेडी छूट गई है या चली गई है, ऐसा इसका हिंदी निकल रहा है। फिर है नो एरर, तो हमें देखना है कि किस हिस्से में एरर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरर क्या है, है ना, शायद आपको मिल गई होगी। एरर है सी पार्ट में, यहाँ पर देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो यहाँ सब्जेक्ट है द ट्रेन, तो ट्रेन के साथ हैव तो आ नहीं सकता क्योंकि ट्रेन एक है, सिंगुलर है, और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम एस फॉर्म का उपयोग करते हैं, यानी यहाँ कायदे से होना चाहिए हैज़। तो हैव तो वैसे भी गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ हैज़ भी नहीं आएगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हैड। अब हैड क्यों होगा, आप देखिए ये सिचुएशन पास्ट टेंस की है कि जब हम स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन छूट गई है या छूट गई थी, छूट गई थी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा हैड। तो ये एक स्ट्रक्चर है, अगर मान लीजिए शुरू का टेंस पास्ट में है तो बाद वाले भी पास्ट होते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मान लो हमने कहा आई नो दैट यू विल कम, मैं जानता हूँ कि तुम आओगे, लेकिन अगर हम इसका पास्ट कर दें आई न्यू दैट यू विल कम, मैं जानता था कि तुम आओगे, तो ये सेंटेंस गलत है। यहाँ तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं जानता हूँ कि तुम आओगे, लेकिन ये गलत हो गया। हिंदी से देखेंगे तो सही लगेगा कि मैं जानता था कि तुम आओगे, लेकिन देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस है, नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू, तो यहाँ पर हम विल की जगह यूज़ करेंगे वुड, है ना। तो ये भी एक नियम है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो एरर कहाँ है, सी पार्ट में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विलियम फेल्ट इल लास्ट नाइट, विलियम लास्ट नाइट कल रात बीमार हो गया है, या फील इल का एक और मीनिंग होता है, एक तो बीमार जैसा महसूस करना, जब हम बीमार जैसा महसूस करते हैं तो हमें वॉमिटिंग का फील होता है, तो फील इल का मतलब होता है वॉमिटिंग होना या वॉमिटिंग की फीलिंग आना। तो विलियम को कल रात वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई, ठीक है, क्यों हो गई, बिकॉज ही हैज़ ईटन, क्योंकि उसने खा लिया है, क्या खा लिया है, अ लार्ज नंबर ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज, बहुत सारे केक्स और पेस्ट्रीज उसने खा लिए हैं, फिर दिया है नो एरर। तो देखिए अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर वैसा ही एरर आ रहा है। एरर है देखिए बी पार्ट में, यहाँ पर वहाँ पर हमने देखा कि ट्रेन के साथ हैव नहीं आ सकता, वैसे भी हैज़ आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हैज़ दिया है तो हम फंस जाएंगे, हम सोचेंगे ही हैज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, पास्ट टेंस दिया हुआ है फेल्ट इल, तो यहाँ भी पास्ट होगा, यानी यहाँ पर आना चाहिए हैज़ की जगह हैड, क्योंकि आप हिंदी निकाल कर देखेंगे कि विलियम को कल रात उल्टी हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि उसने बहुत सारे केक्स खाए हैं या खाए थे, तो खाए थे इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है हैड। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये बिल्कुल टेंस से रिलेटेड है, और ये एक ही वर्ष के हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर के हैं, अभी हम सब 2016 के डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मैंने ऐसा एक ऑब्जर्व किया है कि एक क्वेश्चन पेपर में जो स्पॉटिंग एरर्स आ रही हैं, ज़्यादातर वो किसी एक या दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, अब चाहे वो टेंस को फॉलो करें या कंजंक्शन को फॉलो करें, वो किसी एक या दो को फॉलो करके चलते हैं। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन भी टेंस का है और इसके पहले वाला भी टेंस से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देख, नेक्स्ट है, इफ़ शी हैड स्टडीड हार्ड, अगर उसने अच्छे से स्टडी की होती, अगर उसने अच्छे से पढ़ा होता, मेहनत से पढ़ा होता, शी वुड हैव पास्ड, वो पास हो गई होती, क्या पास हो गई होती, द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, यानी इंग्लिश भाषा का टेस्ट फॉर दी एलिजिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम्स।
तो जो मैनेजमेंट एग्जाम्स की जो योग्यता के लिए जो इंग्लिश का टेस्ट था उसमें वो पास हो गई होती है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या एरर है। इस सेंटेंस में एरर है, आपका आंसर होगा डी, यानी कि नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। देखिए क्या होता है, अगर वो आपको एरर देते मान लो तो ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, अगर यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड के बाद भी हमको हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होता है ना, हैड नहीं हैव, क्योंकि वुड एक मॉडल है कैन कोट की तरह और इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। तो होता ये है कि या तो वो यहाँ पर आपको दे देते स्टडीड है ना, तो वो आंसर गलत होता, या फिर वो यहाँ पर आपको दे देते क्या हैव हटा देते है ना, तो देने को वो कोई भी एरर दे सकते, यहाँ पर वो लैंग्वेज शब्द हटा सकते तो इंग्लिश में दा नहीं आता, टेस्ट में आ जाता है। मतलब कहने का ये कि एरर बनाने को बहुत सारी बनाई जा सकती हैं, और एरर नहीं है तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, आई विल कॉल द इंस्ट्रक्टर, मैं इंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, फ़ोन करूंगा, एज सून एज, जैसे ही आई विल रीच होम, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा। अब हिंदी निकाल कर देखो, यहाँ गलती नहीं पता चल रही, कभी कभी हिंदी आपकी मदद करेगी और कभी कभी आपको कन्फ्यूज़ करेगी। तो यहाँ पर जो एरर है क्या है, पहले देखते हैं क्या है, फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एरर है सी पार्ट में, यहाँ पर इसमें क्या एरर है, यहाँ पर विल नहीं आएगा, सीधे आपका सेंटेंस होगा आई विल कॉल द इंस्ट्रक्टर एज सून एज आई रीच होम, हिंदी होगी जैसे ही मैं घर पहुँचूँगा। अब ये क्या लफड़ा, इसको आप समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस पाए जाते हैं। कंडीशन का अर्थ क्या होता है, शर्त। तो शर्त वाले वाक्य जिनमें कोई शर्त हो, तो अक्सर आप देखेंगे जो सेंटेंसेस इफ से चालू होते हैं, इफ है या अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, या वैन आ जाए, या फिर एज सून एज आ जाए, या कई जगह आपको आफ्टर मिल जाएगा, बिफोर मिल जाएगा। तो ये जो कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं, तो इनमें एक नियम चलता है, इसके बाद आप पास्ट टेंस तो यूज़ कर सकते हो और प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर टेंस कभी नहीं आता। तो ये एक नियम है, रट लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। नियम ये है कि इसके बाद जो सेंटेंस रहेगा वो या तो प्रेजेंट में रहेगा या फिर पास्ट में रहेगा, क्योंकि कंडीशन प्रेजेंट की भी होती है, पास्ट की भी होती है। अभी अपन एग्जाम्पल देख लेते भाई। जैसे यहाँ लिखा है, मान लो इफ़ यू इनवाइट मी आई विल कम, तो इस वाले सेंटेंस पर हमको नहीं जाना, वो तो फ्यूचर रहेगा। लेकिन यहाँ देखो इफ़ है, अब इफ़ के बाद क्या लिखा है, यू इनवाइट मी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, ये बिल्कुल सही है। अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। अब यहाँ देखो हिंदी क्या हो रही, बुलाओगे इफ़ यू विल, लेकिन विल नहीं है, हिंदी अपने आप निकलेगी। इसी तरह है, आई विल टेल यू व्हेन द ट्रेन विल कम। देखो आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगा, व्हेन जब द ट्रेन विल कम, जब ट्रेन आएगी, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। देखिए व्हेन है, व्हेन के बाद सेंटेंस क्या दिया हुआ है, द ट्रेन विल कम, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा और यहाँ हम एस लगा लेंगे, द ट्रेन कम्स, तो ये सही आंसर हो गया। इसी तरह एस सून एस होता है, आफ्टर होता है, बिफोर होता है ना। जैसे आई विल सिट टू स्टडी बिफोर माई फादर कम्स, मैं अपने पापा के आने से पहले पढ़ने बैठ जाऊँगा, तो बिफोर माई फादर विल कम नहीं होगा, बिफोर माई फादर कम्स। तो अगर आप नियम लिखना चाहते हैं, अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप ये लिख सकते हो कि इन शब्दों के बाद जो सेंटेंस होता है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखो एज सून एज है, एज सून एज के बाद इन्होंने विल दे दिया, तो ये गलत है। प्रेजेंट हो चल जाएगा, पास्ट हो चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, You have been watching TV, आप TV देख रहे हो since the last 4 hours, पिछले 4 घंटों से, आप पिछले 4 घंटों से TV देख रहे हैं। तो देखते हैं इसमें एरर क्या है। एरर है सी पार्ट में, यहाँ पर सिंस की जगह आएगा फॉर,
है ना। देखिए पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेंस का उपयोग होता है जब निश्चित समय हो, डेफिनेट टाइम दिया हो, चाहे वो क्लॉक टाइम हो जैसे सेंस 4 o'clock, या फिर वो आपको दे दें कोई तारीख जैसे कि सेंस 10th of May, या कोई महीने का नाम सेंस जनवरी, या कोई ईयर आ जाए सेंस 2010। तो जब एक निश्चित होगा, डेट आ जाए, महीने का नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए, सेंस मंडे हो गया जैसे, क्लॉक टाइम हो जाए, तो हम सेंस लगाते हैं। लेकिन जब ड्यूरेशन होती है, अवधि बताते, पीरियड बताते हैं कि 1 घंटे से ये काम हो रहा है, 4 घंटे से हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, तो ये क्या है, ड्यूरेशन कहलाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या जाती, देखो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा रट लेते हैं, ये भी उनकी मजबूरी है और ये मजबूरी मुसीबत बन जाती है। कुछ बच्चे रटते हैं कि भाई अगर लास्ट लगा हुआ है तो उसमें सेंस आता है, बिल्कुल ठीक है, लास्ट के साथ क्या आता है, सेंस आता है। लेकिन वो क्या होता है, सेंस लास्ट वीक होता है, सेंस लास्ट मंथ होता है, या सेंस लास्ट ईयर होता है, या सेंस लास्ट मंडे होगा, लास्ट नाइट होगा, कुछ भी होगा। तो आप ज़रा गौर करो, वीक सिंगुलर है, मंथ सिंगुलर है, ईयर सिंगुलर है, नाइट सिंगुलर है। जब लास्ट के बाद सिंगुलर नाउन होता है तो हमें सेंस लगाना है। लेकिन अगर वहीं वो आपको दे देते हैं कि सेंस द लास्ट, देखो लास्ट नहीं है, द लास्ट है, सेंस द लास्ट 2 years। अब यहाँ देखो ईयर नहीं है, ईयर से टू प्लूरल आ गया, तो आपको यहाँ पर सेंस गलत होगा, ये क्योंकि ड्यूरेशन बता रहा है। सही होगा क्या, फॉर द लास्ट 2 years। तो ऐसा रटो मत कि लास्ट होगा तो सेंस लगाना है, ये सब सही है, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो अगर याद रखना भी है, नियम आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, तो आप लिख सकते हो कि अगर लास्ट के बाद सिंगुलर नाउन होगा तो हम सेंस लगाते हैं, और अगर लास्ट के बाद प्लूरल नाउन आता है तो हम फॉर लगाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है फॉर द लास्ट 4 years, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, बहुत जल्द आपके सामने एक नया वीडियो आएगा। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए। लेट अस फिनिश, सी यू सून।